अस्सलामु अलैकुम। चैनल जायका दिल्ली 6 में आज हम छोंकेंगे मिर्च, और वो भी बहुत ही इजी तरीके से छोंकेंगे। तो ये हमारे पास मिर्च तो बहुत सारी है, लेकिन हम इसमें से सिर्फ 200 ग्राम ही मिर्च छोंकेंगे। ये देखें, टेढ़ी मिर्च है, इधर से कट नहीं लगाएंगे। जिधर से हमें भरने में आसानी रहेगी, हम उधर से पूरे नीचे तक इस तरह से कट लगा लेंगे। 200 ग्राम के करीब जो मिर्च है, हमने उसको इस तरह से कट लगा लिया। इसका कुछ और बनाएंगे, जब बनाएंगे जरूर से उसकी वीडियो बनाएंगे। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक इस तरीके का बाउल ले लेते हैं, 2 टेबलस्पून पिसी हुई खटाई डाल देते हैं। कम या ज्यादा आप ये डाल सकते हैं। 2 टीस्पून हल्दी जाएगी इसमें, 1 टीस्पून नमक जाएगा। नमक थोड़ा सा इसमें ज्यादा जाता है। अब आप चाहें तो इसके अंदर पानी डाल सकते हैं, नींबू का रस भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं। तो हमने ये 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया है और बस इसको मिक्स कर देते हैं। पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन पानी डालने के बाद मिर्च थोड़ी चटकती है, बस और कोई बात नहीं है। इसको इस तरह से मिक्स करना था, इसलिए हमने इसमें ऑयल डाला है, ताकि ये हमारा ऐसा हो जाए कि हम इसको इसमें भर सकें। अब आप इसको ज्यादा भरेंगे तो समझ लीजिए आपको जायका मिलेगा बहुत ज्यादा। तो इस तरह से भर लें इसको। और यूं भरने के बाद वापस से मिर्ची को यूं क्लीन कर देते हैं। बिल्कुल इस तरह से हम ये सब भर लेते हैं। सब भरते ही दिखाते हैं आपको। ये देखें कितनी अच्छी दिख रही है मिर्च भरी हुई। 2 टेबल स्पून हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है, इसे हम इसमें डाल देते हैं। मिर्च आपको जब तक सेकनी है, जब तक पूरी मिर्च पर डॉट्स डॉट्स से नहीं आ जाते हैं, वो मिर्च देखने में भी बढ़िया दिखेगी और खाने में भी होगी लाजवाब। तो इसको सिकने देते हैं, अभी खोलकर इसी तरह से पकने देते हैं। ऐसे डॉट्स या फिर ऐसा कलर होना चाहिए। मसाले का भी ध्यान रखना है आपको, इतना लाजवाब मसाला है तो वो जलना नहीं चाहिए। अब हम क्या करते हैं, जब मसाला हमें लगे कि कहीं जल ना जाए और इसमें मॉइस्चर हो गया है कम, इस वक्त हम इसे कवर करेंगे। अब कवर करके पकने देते हैं स्लो फ्लेम पर इसको 3 मिनट। देखें 2 मिनट बाद कैसी दिख रही है। बस ये देखें, एकदम सॉफ्ट हो गई है मिर्च हमारी। कवर जब करें, जब इस तरह से डॉट्स आ जाएं, पहले ही आप कवर कर देंगे तो डॉट्स नहीं आएंगे। ये देखें, मैंने हल्का सा टच किया, बस इतनी ही सॉफ्ट हमें चाहिए थी ये मिर्च। तो बस अभी हम क्या करते हैं, फ्लेम को कर देते हैं बंद। हमने बंद कर दिया और बस कितनी बढ़िया हमारी मिर्च बन के ये तैयार हुई है। इससे ज्यादा आप इसको नहीं पकाइए। आप इसको 2 वीक फ्रिज में रख के खा सकते हैं, सब्जी और दाल के साथ। तो बस इसका कहना ही क्या, बहुत इजी तरीके से हमने बनाई है। जरूर बनाएं, हमसे जुड़े, हमारी हौसला अफजाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी इस इजी सी छुकी मिर्च को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। जरूर बनाएं। अल्लाह हाफिज़।